Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, अभी मैं जयनगर रेलवे स्टेशन पे हूँ और जयनगर से गाड़ी प्रस्थान हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं मधुबनी और आपको दिखाते हैं कि हर स्टेशन पे कितना काम हुआ है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि स्टेशन पे कितना काम हुआ है, कितना काम होना बाकी है। आप लोग देख सकते हैं कि जयनगर रेलवे स्टेशन पे टेल्स का काम भी हो चुका है और बहुत खूबसूरत लग रहा है स्टेशन। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चल रही है। आप लोग देख सकते हैं ट्रेन की स्पीड। वैसे भी जयनगर से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। आप लोगों को पता चल रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से ट्रेन की स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई है। खजौली पहुंच चुकी है ट्रेन। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना काम हुआ है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये खजौली रेलवे स्टेशन है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। अब राजनगर रेलवे स्टेशन आने वाली है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन, ये 2 नंबर प्लेटफार्म है दोस्तों राजनगर रेलवे स्टेशन की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पुला भी चालू हो चुका है राजनगर रेलवे स्टेशन पे, और इलेक्ट्रिक का भी काम चल रहा है यहाँ पर। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए पुला चालू हो चुकी है राजनगर में।
तो फाइनली राजनगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहां से खुल रही है राजनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन, और ट्रेन की जो रफ्तार है ना बहुत अच्छी है, पहले के मुकाबले बहुत स्पीड बढ़ चुकी है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी अच्छी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना काम हुआ है, वायर भी लगा दी गई है, और ट्रेन की जो रफ्तार है बहुत अच्छी है। मधुबनी रेलवे स्टेशन आने वाली है, आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पर लिखा हुआ मधुबनी रेलवे स्टेशन, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आप मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। और यहाँ की जो मिथिला पेंटिंग की बात है उसका तो जवाब नहीं है, बहुत ही खूबसूरत, और ये जो मधुबनी स्टेशन है बहुत ही खूबसूरत लगती है, यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों फाइनली मधुबनी पहुंच चुके हैं, आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आ गए दोस्तों मधुबनी रेलवे स्टेशन।